बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं कैटरिंग 22 की पार्ट 4 की वीडियो को। इस पार्ट में हम लोग टॉक्सिटीज देखेंगे सिलेटेड प्रोडक्ट्स की। सबसे पहले साइकोमोटर डिसफंक्शंस का जिक्र कर रहे हैं। जारी बात है, मैंने आपको बताया भी था कि बेंजोडिएज़ेपिन्स के दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, BZ1 रिसेप्टर्स होते हैं और BZ2 रिसेप्टर्स भी होते हैं। आपको याद होगा BZ2 रिसेप्टर्स कॉग्निटिव इंपेयरमेंट और स्ट्रेस में इन्वॉल्व थे। तो मैं नहीं कह रहा ये सारी सिर्फ BZ2 रिसेप्टर्स की वैसी होती है, जारी बात है बारबिट्यूरेट्स वगैरह भी चीज़ें कॉज करवा रहे होते हैं, लेकिन वैसे एक याद करवाने के लिए BZ2 रिसेप्टर्स को मैंने कल दोबारा रिवाइज करवाए थे। तो कॉग्निटिव इंपेयरमेंट हो गया, डिक्रीज साइकोमोटर स्किल्स। अच्छा, डे टाइम सेडेशन, ये चीज़ बड़ी एक इशू होता है कि ड्रग खत्म हो गया अब दिन के वक्त भी नींद आ रही है। ठीक है, एक और चीज़ है जो कि यहाँ पे उन्होंने मेरी कार्ड में लिखी हुई लेकिन अलबत्त डिपेंड कॉट में उसका जिक्र है। वो कहते हैं हैंग ओवर पीरियड, समझ आते हैं पेशेंट जब जाग गए उठ गया यानी कि वो, लेकिन उठने के बाद भी घंटे दो घंटे तक उसके सारे सोचने की चीज़ें और सारी जो मेंटल कैपेसिटीज़ हैं वो पूरी तरह से सही नहीं हुई। ठीक है, तो कुछ ना कुछ इंपेयरमेंट और फंक्शन चल रही है जागने के बाद भी, तो उसको हैंग ओवर पीरियड कहते हैं। ये भी सिलेटेड ओवर हिप्नोटिस खासतौर पर बारबिट्यूरेट्स के साइड इफेक्ट्स में आती है हमारे पास। अच्छा जी, और जारी सी बात है, ये जो स्लीप दिन टाइम नींद आ रही है, इस तरह की चीज़ें जो आपके पास लॉन्ग टर्म बेंजोडिएज़ेपिन्स थे जिनके एक्टिव मेटाबोलाइट्स भी थे जिसमें डायज़ेपैम फ्लोराज़ेपैम वगैरह आ रहे थे, उनके अंदर ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। अब बताए शॉर्ट टर्म भी करवा सकते हैं, ठीक है, और एल्डरली पेशेंट्स के अंदर टॉक्सिसिटी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए एल्डरली पेशेंट्स के अंदर थोड़ी डोज में देना चाहिए। दो वजूहत, एक तो ये कि उनका हेपेटिक फंक्शन कम हो चुका है, जारी बात है जो ड्रग दोगे यार वो काफ़ी ज़्यादा असर करेगा क्योंकि ड्रग ने मेटाबोलाइज स्लोली होना है, और दूसरा ये है कि भैया अगर उनको दिन में नींद वगैरह आना शुरू हो गई और वो बेचारे गिर गए, पहले ही बुजुर्ग हैं, हड्डियाँ उनकी कमज़ोर हैं, तो वो एक्सेसिव फॉल्स फ्रैक्चर्स वगैरह का रिस्क बढ़ जाता है। सही हो गया। अब यहाँ पे एक मतलब कॉग्निटिव इंपेयरमेंट वगैरह का जिक्र कर लिया हमने सबसे पहले, ठीक है, स्लीप जो दिन टाइम आती है उसका भी जिक्र कर लिया, और उसके बाद मैंने आपको एल्डरली के अंदर क्या होता है ये भी जिक्र कर लिया। ये एक टॉक्सिक इफेक्ट नहीं है लेकिन जो पॉइंट्स डिस्कस किए वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे एक आता है आपके पास एथिकल इशू, समटाइम वो पूछते हैं कि व्हाट इज द एथिकल इशू इन्वॉल्व विद दिस ड्रग। ठीक होगी बात, यार आपको याद होगा एक चीज़ थी एंटेरोगेट एमनेजिया, उसको मतलब ये था ड्रग देने के बाद मेरी चीज़ें याद नहीं रहती, तो हम सर्जरी में बाद बेंजोडिएज़ेपिन्स वगैरह दे रहे थे एंटेरोगेट एमनेजिया की वजह से कि यार ड्रग दें उसके बाद सर्जरी की बुरी यादें बंदे को रहे ही ना। इसका एक एथिकल इशू भी है, वो क्या है, इसको डेट रेप में यूज़ किया जाता है। डेट रेप में क्या होता है जनाब, वो लड़की को बंदा लेकर जाता है डेट पे और उसके खाने के अंदर मिला जाता है बेंजोडिएज़ेपिन्स वगैरह। अब डेट के दौरान वो चीज़ें जब उसने खा ली तो क्या हो गया, अब हो जाएगा एंटेरोगेट एमनेजिया और अब इस मौके पे हो जाते हैं रेप। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द रेप जब बाद में लड़की रिकॉल करती है तो चूंकि खाने में उसने बेंजोडिएज़ेपिन्स खा लिए हुए थे तो उसको हो गया एंटेरोगेट एमनेजिया, खाने के बाद की बात उसको याद नहीं है, तो उसको वो इवेंट एग्जैक्टली याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये एंटेरोगेट एमनेजिया का एक एथिकल इशू होता है जो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ डिस्कस किया हुआ डेट रेप। अच्छा, उसके अलावा स्लीप प्रॉब्लम वगैरह जब प्रिस्क्राइब करना होता है, बड़ा सोच समझ के प्रिस्क्राइब करना होता है, जो लोग मशीनरीज को ऑपरेट कर रहे होते हैं, ड्राइव कर रहे होते हैं, मैं खासतौर पर ज़्यादा इशूज़ आ रहे होते हैं, स्लीप ड्राइविंग का उन्होंने जिक्र किया हुआ है कि भाई ड्राइविंग तो कर रहे हैं लेकिन पूरी तरह से वो अवेक नहीं होते। सही, तो ये हो गए साइकोमोटर डिसफंक्शन। फिर आते हैं एडिटिव सीनियर सप्रेशन। एडिटिव का मतलब है कि भाई मल्टीप्लाई हो रहा है काम, क्यों, अभी आपने एक बंदे को कहा कि ठीक है स्लीपिंग पिल खा लो, वो आपको पता नहीं है वो अल्कोहल भी ले रहा था, तो वो दो का काम मिल गया। ठीक है, या वो कोई ओपियोइड एनर्जेटिक पेन किलर ले रहा था वो, या इसी तरह से फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिन्स ले रहा था, एंटी साइकोटिक्स ले रहा था, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहा था, तो दो तरह के सेडेटिव हाइपनोटिक्स अगर मिल जाएं तो जाहिर सी बात है उससे बड़ा इशू आता है। अब सेडेटिव हाइपनोटिक्स सिर्फ ये बेंजोडिएज़ेपिन्स वगैरह तो नहीं है ना, मैंने आपको बताया और भी बहुत सारे ड्रग्स हैं जो कि सप्रेस कर रहे होते हैं ब्रेन की एक्टिविटी को, तो सप्रेस करने वाले अगर मिल जाएं तो एडिटिव सीरियस डिप्रेशन हो जाता है, मिलकर काम काफ़ी खतरनाक हो सकता है। अच्छा, फिर तीसरा आ जाता है कि जी ये था ना साइकोमोटर डिसफंक्शन, तकरीबन सब लोगों में कुछ ना कुछ हद तक हो रहा है, एल्डरली में ज़्यादा हो रहा है, बाकी सब में थोड़ा बहुत हो रहा है। ये आ रहा है अगर दो ड्रग खाओ तो, ये आ रहा है अगर कोई ड्रग ज़्यादा ही खा लो तो। ठीक है, अब ये क्या है, ज़्यादा ही खा लो, जारी बात है यार ये पता है, मैं तो आपको मेडुलर डिप्रेशन में चला जाता है, कार्डियोवैस्कुलर डिप्रेशन हो गया, ये चीज़ आपको पता है, खासतौर पे अल्कोहल बारबिट्यूरेट कार्बामेट्स इनमें ज़्यादा होते हैं ये वाले काम, बेंजोडिएज़ेपिन्स तो आपको पता है इतना मेडुलर डिप्रेशन तक ज़्यादातर जा ही नहीं पाते, अल्टरनेटिव बहुत ज़्यादा डोज हो। अच्छा, बेंजोडिएज़ेपिन्स वगैरह के बारे में इतने खतरे की बात इसलिए भी नहीं क्योंकि अगर बेंजोडिएज़ेपिन्स ज़ोलपेटम वगैरह खाया हो तो उनका एंटागोनिस्ट फ्लुमेज़ोनिल मौजूद है, जबकि ये फ्लुमेज़ोनिल दूसरे ड्रग्स को एंटेगोनाइज नहीं करवाता, उनके एक्शन को एंटेगोनाइज नहीं करवा पाता, तो अगर दूसरे ड्रग्स ज़्यादा खा लिए हैं तो उनमें बस हम मेंटेनेंस ऑफ एयरवे और वेंटिलेटरी सपोर्ट और इस तरह की चीज़ों से कोशिश करते हैं कि यार ये बंदा कुछ लम्हे और जी सके। सही होगी बात। अब आते हैं हम अदर एडवर्स इफेक्ट की तरफ, इसमें कोई बातें डिस्कस की हुई है, एक तो यार साइटोक्रोम P450 को इंड्यूस कर रहे हैं, सही है, अब ये एडवर्स भी होता है इसके अच्छे बुरे हर तरह की चीज़ें, दूसरे ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म को ये इफेक्ट कर रहा होता है, बड़ी एक जनरल चीज़ है फार्माकोलॉजी में, ये तो बार बार हम पढ़ते ही हैं। और एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया बेसिकली क्या होता है, आपको पता है हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस होता है ना, अब अच्छा हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस के अंदर
वो पहले वो ग्लाइसिन सक्सेनाइल वगैरह होते हैं, वो कर करा के आपके पास भी चीज़ बनती है अमाइनो लेवलोनिक एसिड, ठीक है। और ये एक होता है ALA सिंथेज एंजाइम का नाम होता है। फिर अमाइनो लेवलोनिक एसिड आगे मुझे जाता है वो कोप्रोपोरफायर यूरोनोबिलिन बनता है, कोप्रोपोरफायर बनता है, हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन भी बीच में करके बनता है, ठीक है। सारी बातें हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब पोरफायरिया में ये होता है कि ALA से अल्टीमेटली आगे बनी होती है हीम, ठीक है। ALA से हीम बनने में ना यहाँ पे कोई ना कोई एंजाइम ख़राब होता है, सही। तो हम ये कहते हैं कि अगर कोई एंजाइम ख़राब है तो फिर ALA बनाओ ही थोड़ा, ताकि वो खराबियाँ ज़्यादा ना पैदा हो सकें। मतलब हीम तो बननी थोड़ी है इस बंदे के अंदर। तो अब ये जो ALA सिंथेज है ना, इसको तोड़ता है, सॉरी, ये जो साइटोक्रोम P450 इंड्यूसर्स है ना, ये जो हमने पढ़े इंड्यूसर्स, ये जितने भी इंड्यूसर्स हैं ये ALA सिंथेज की एक्टिविटी को इंड्यूस करते, बढ़ा देते हैं। यानी कि ALA सिंथेज एक्टिविटी बढ़ गई, ज़्यादा ALA बनना शुरू हो जाएगा, और ALA आगे मेटाबोलाइज तो हो नहीं पाएगा, तो प्रॉब्लम बढ़ गई है कि ALA ज़्यादा जमा होना शुरू हो गया। तो तकरीबन सारे ही जो साइटोक्रोम P450 इंड्यूसर्स होते हैं ना, वो पोरफायरियाज के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। यहाँ पे खासतौर पे बारबिट्यूरेट का जिक्र कर रहे हैं कि बारबिट्यूरेट्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पोरफायरियाज, एक्यूट इंटरमीडिएट पोरफायरिया, सही होगी बात। उसके अलावा एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट्स के बारे में जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, कुछ थोड़ी बहुत ही बातें जो पिछले पार्ट में ही डिस्कस कर लेनी चाहिए थी, पता नहीं की, तो अब कर लेते हैं। या जोलपीडेम वगैरह के जो जी वाले ड्रग्स थे, इसके मुख्तलिफ जगहों में मुख्तलिफ फायदे पड़ चुके हैं, ठीक है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो जी वाले ड्रग्स हैं, इन ये बेंजोडाइजेपिन से किस तरह बेहतर हैं, क्या चीज़ें इनमें बेहतर आती हैं। एक तो ये कि बेंजोडाइजेपिन की फ्लैटर कर्व है, लेकिन ज़्यादा सेफ होते हैं आपके पास जी वाले ड्रग्स। तो एक तो सेफ्टी इनकी ज़्यादा होती है, टॉक्सिक इफेक्शन का कम है। दूसरा, हमने जब विड्रॉल सिम्टम्स पढ़े थे तो हमने कहा था जी वाले ड्रग्स के विड्रॉल सिम्टम्स कम होते हैं, पता नहीं किस तरह किस पहले लिख रहा हूँ मैं विड्रॉल के, एनीवेज जो भी है। तीसरा ये आता है हमारे पास जो जी वाले ड्रग्स थे वो इंसोमिया को ट्रीट तो कर रहे थे, लेकिन हमने कहा था स्लीप पैटर्न में बड़ी कम चेंजेस के साथ अपना काम कर लेते हैं, ज़्यादातर स्लीप पैटर्न को डिस्टर्ब नहीं करते, ठीक हो गया। और फिर खास को पता है डे टाइम सेडेशन भी कम कॉज करवाते हैं ये, क्योंकि बहुत लॉन्ग टर्म नहीं होते। और चौथा, हमने एक और बात इनके बारे में डिफ्रेंशिएटिंग पढ़ी थी कि दे आर मोर सिलेक्टिव फॉर BZ1 रिसेप्टर्स, BZ2 रिसेप्टर्स पे इतना एक्शन नहीं होता, तो ये बेसिकली सेडेशन वगैरह ही में इन्वॉल्व होते हैं। चलो, चाहे ये भी लिख लो कि डे टाइम स्लीप नहीं करवाते, ठीक हो गया। एक और बात आपको बताऊँ जी वाले जो ड्रग्स हैं उनके बारे में, यार तीन तरह के हमें, अब देखो एक काम होता है नींद, पहले भी शायद बता चुका हूँ, रिपीट कर रहा हूँ मैं, एक काम होता है नींद को इंड्यूस करवाना, फिर पेशेंट आया कि डॉक्टर साहब मुझे नींद आती ही नहीं है, आ जाए तो सही रहता हूँ मैं, सोया रहता हूँ, लेकिन आती ही आने में मुश्किल होती है। दूसरा मसला होता है नींद को मेनटेन रखना, ठीक है। अब नींद को मेनटेन रखने के लिए कोई ऐसा ड्रग देना पड़ेगा जो थोड़ा लॉन्गर एक्टिंग हो, और नींद को लाने के लिए शॉर्ट एक्टिंग भी चलेगा। तो अगर किसी को सिर्फ नींद लाने का मसला है तो फिर हम उसको लॉन्ग एक्टिंग नहीं देते, क्योंकि लॉन्ग एक्टिंग का साइड इफेक्ट ये होता है कि दिन में भी नींद थोड़ी बहुत आ रही होती है। तो किसी को अगर सिर्फ ये मसला ना कि इंडक्शन ऑफ नींद, नींद आने नहीं, तो उसको हम दे देते हैं ज़ेलेप्लॉन या ज़ोलपीडेम, ये निबंधन शॉर्ट एक्टिंग होते हैं। और अगर पेशेंट आ रहा है कि नींद मेंटेन भी नहीं हो पा रही, तो फिर हम उसको देते हैं एसजोपिक्लोन, क्योंकि इसका थोड़ा सा लॉन्ग टाइम होता है तो ये थोड़ा ज़्यादा असर आता है, तो बंदे को नींद आई रहती है। तो लंबा नाम लंबी देर के लिए, तो ये मेंटेनेंस ऑफ स्लीप एंड इंडक्शन ऑफ स्लीप में यूज होता है, ये सिर्फ इंडक्शन ऑफ स्लीप में यूज होता है। थैंक यू, वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। जनाब वली, इसको बंद कैसे कर?